करने जा रहे हैं कि क्या एक्चुअल में जो प्राइस होती है एप्पल के प्रोडक्ट्स की वो 15,000 रुपये होती है, क्यों होती है, किस लिए होती है, क्या ऐसा होना चाहिए, क्या एप्पल प्राइस कम कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स की, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम है श्योर। आज तो गाइस फर्स्टली यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो एप्पल के प्रोडक्ट्स होते हैं भाई, वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 या फिर बहुत ज़्यादा लो रेंज के होते हैं। तो जी हाँ, यहाँ पे कंफर्मेशन मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। आप लोग कहोगे कि यार तुम झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कंफर्मेशन है भैया एप्पल का। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, तो स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो कि एप्पल ने खुद मेंशन कर रखा है कि जी हाँ, जो हमारा आईफोन 7 है वो 15,000 रुपये का, जो कि इस टाइम पे 50,000 रुपये का बिकता है, या फिर उस टाइम पे वो 50,000 रुपये का बिकता था, बल्कि उसकी रियल जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। उसकी जो रियल कॉस्ट थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये। एंड यहाँ पे आप लोग सोच सकते हो कि अगर जो एप्पल है वो एक्चुअल में अपना जो प्रॉफिट है वो कम कर दे, तो यहाँ पे आप लोगों को कितने सस्ते में प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। अब अगर बात कर लेते हैं कुछ एक्चुअल प्राइजेस की, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आईफोन एक्स की। तो आईफोन एक्स जो शुरुआत हुई है काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव एप्पल प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या प्राइस है गाइस आईफोन एक्स की रियल। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या यहाँ पे हम लोगों को जो प्राइसेस वगैरह हैं वो देखने को मिलते हैं आईफोन के। सो गाइस यहाँ पे जो आईफोन है वो एक्चुअल में आईफोन एक्स वो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये का देखने को मिल जाता है। जी हाँ गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कन्फर्मेशन से आप लोग इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो। एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आईफोन एक्स की, जो कि इस टाइम पे 1,00,000 रुपये तक का या फिर 80,000 कुछ का बिक रहा है, एक्चुअल प्राइस सिर्फ और सिर्फ 25,000 है। बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे आईफोन, यहाँ पे हम लोगों को जो आईफोन 11 की जो एग्जैक्ट प्राइस देखने को मिल जाती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये है उन मॉडल्स के लिए, जो कि मतलब जो नीचे वाले सबसे पहले जो प्रो मैक्स वेरिएंट है वो सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपीज का है एक्चुअल। तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हो अंदाजा कि अगर आप लोगों ने आईफोन 11 प्रो मैक्स लिया है पूरे पूरे 1,50,000 रुपये का, कितना ज़्यादा हाई मार्जिन जोड़ा गया है एप्पल की तरफ से। आपके कॉस्ट यहाँ पे निकल के आती है हमारे आईफोन 12 वेरिएंट के लिए, जो सबसे नीचे वाला आईफोन 12 का वेरिएंट होता है वो होता है 12 मिनी। तो 12 मिनी की एग्जैक्टली जी हाँ गाइस 30,000 रुपये प्राइस, 31,000 कुछ के करीब है प्राइस। एंड देन अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आईफोन 12 के बारे में, जो कि हम लोगों को जिसकी कॉस्ट यहाँ पे जी हाँ मिल जाती है देखने को 35,000 कुछ की। एंड देन अगर हम आगे बढ़ते हैं ऊपर, तो 40,000 रुपये का आईफोन 12 प्रो मैक्स मिल जाता है असलियत में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जो एप्पल है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर रहा है अपने इन प्रोडक्ट्स से। एंड वन आई कंपनी में से एक एप्पल है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की वजह से। बाकी अगर आप मोबाइल्स को देखोगे ना, तो उनकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टेंट होती है, बट एप्पल साल के अंदर एक प्रोडक्ट निकालता है, उस एक प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उससे मतलब ट्रिपल तो वो अपना मार्जिन ही दे देता है लोगों को। ओके, अब मैं आता हूँ एक फैक्ट पे कि ये जो चीज़ एप्पल कर रहा है वो गलत नहीं है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यस यार, ये चीज़ गलत नहीं है। वो अपना बिजनेस चला रहा है एंड जिस टाइप की वो प्रोडक्ट्स निकाल रहा है एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एंड इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह भी थोड़ी सी ऊपर नीचे लग जाती होगी। सो यस, माना कि एप्पल जो है मतलब माना कि इस प्राइस से जस्ट ट्रिपल मार्जिन एप्पल निकालता है, बट यहाँ पे अब आप ये नहीं कह सकते कि जो प्राइस वर्थी नहीं है एप्पल के प्रोडक्ट्स। एप्पल के प्रोडक्ट्स आर वेरी 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 हाईली प्राइस वर्थी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि यहाँ पे अगर एक एंड्रॉयड फ़ोन बनता है, जैसे कि ये अगर ये एक एंड्रॉयड फ़ोन बन रहा है 15,000 रुपये का, तो वहीं पे अगर यहाँ पे हम एक आईफोन 7 बना रहे जिसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 15,000 रुपये, तो यहाँ पे बेटर कौन सा होने वाला है? ऑब्वियसली वो 15,000 रुपये वाला आईफोन 7, क्योंकि उसकी एक्चुअल प्राइस ही 15,000 रुपये। तो इसकी एक्चुअल प्राइस आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या हो सकती है एक्चुअल में। सो जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं ना भाई,
वो एक्चुअली धोखा देते हैं आप लोगों को। सो यहाँ पे आप लोग ऐसा मत सोच के बैठना कि मैं कोई एप्पल का प्रोडक्ट नहीं लूंगा इस वजह से, बट यस यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान भी है आप लोगों का। एंड अब बात करते हैं कि क्या एप्पल अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस घटा सकता है या फिर एप्पल को अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस घटानी चाहिए। सो मेरा जवाब होगा यस। अगर गाइस एप्पल जो है इतना ही जो है फोकस करता है मार्केट के ऊपर एंड सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके काफी अच्छे अच्छे निकलते, तो मैं कहूँगा यार प्राइस को घटाने पे भी तो फोकस करो। प्राइस को घटाने पे वो लोग फोकस नहीं करते एंड दैट्स द रीजन यहाँ पे जो है काफी सारे लोग जो है मोबाइल्स नहीं ले पाते। रिसेंटली यहाँ पे एक आईफोन SE आया था एंड यस दैट वॉज अ रियल प्राइस वर्दी मोबाइल। उसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे प्रोसेसर वगैरह सारी चीज दी गई थी, बट बाद में वही हुआ ना कि वो शैडो हो गया। एंड देन मतलब आज के जमाने में जहाँ पर एक ये इतनी छोटी सी नोच भी अनएक्सपेक्टेबल होती है, तो वहाँ पे इतने मोटे मोटे बेजल्स कैसे, हाउ वी विल बी एक्सेप्टिंग दिस। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ यार आप लोगों के आईफोन 7, 6 ऐसे ही मतलब आप थोड़ा कर सकते हो ना इनोवेशन कुछ ना कुछ। तो आईफोन 12 मिनी का प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस रख दिया है इन लोगों ने, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एप्पल कैन इनोवेट, एप्पल इनोवेट कर सकता है इस चीज़ के अंदर। एंड ये कोई डाउट है नहीं यहाँ पे कि एप्पल को प्राइस कम करनी ही करनी चाहिए एंड आई थिंक आगे चल के एप्पल करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप आईफोन SE के साथ एप्पल ले ही चुका है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या एप्पल जिस प्राइस पे यहाँ पे इंडिया में बेच रहा है वो सही है कि नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि USA में जो आईफोन की प्राइस है वो इतनी है, मतलब बाहर की कंट्रीज में इतनी है कि तुम्हें एक बार भाई दुबई घूम कर आ जाओगे एंड देन एक आईफोन भी साथ में लोगे तब भी यहाँ से कम पड़ेगा। आई एम गारंटिंग यू। यहाँ पे आप लोग जाके फ्लाइट की टिकट्स की प्राइस चेक कर लेना एंड देन वहाँ पे जाकर आप एक आईफोन 11 प्रो मैक्स लोगे, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, तब भी वो उससे सस्ता ही पड़ने वाला है। सो यहाँ पे जो है US में या फिर यार ये हमेशा से नाइंसाफी होती है ये इंडिया के साथ कि ऐसा होता ही नहीं कि यहाँ पे प्राइस कम हो। तो आई वॉन्ट एप्पल टू डू दिस कि यहाँ पर इंडिया में जो प्राइस है अपने प्रोडक्ट्स की कम करें। अगर यहाँ पे जो है इंडिया के अंदर प्राइस कम हुई, क्रेज बहुत बढ़ जाएगा एप्पल प्रोडक्ट्स का एंड सीरियसली मेरी गारंटी मानो क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। सो ये साथ की वीडियो के लिए बस इतना ही तक। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए बाय।